Bismillahirrahmanirrahim. Assalam Walekum, dear students. How are you? I am your math teacher from Self School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. Student, आज हम मैथ ग्रेड 4 लेक्चर नंबर 10 यूनिट 2 जो है वो कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक और नई चीज लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जिंदगी जो है उसमें आने वाली बहुत सी चीजें जो हैं वो आज आप समझेंगे कि उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम फैक्टर्स, ये सारी चीजें पढ़ी। इवन ऑड नंबर पढ़े, कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो आज हम वो चीज पढ़ेंगे जिसमें वो सारी चीजें यूज होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है जी फैक्टर्स, कि हम एक नंबर के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखें फैक्टर्स। फैक्टर्स आप कैसे शो करेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर के वो फैक्टर होते हैं जिन नंबर पे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 12 1 पे डिवाइड होता है तो ये भी इसका फैक्टर है। 12 2 पे भी डिवाइड होता है, ये भी इसका फैक्टर है। 12 3 पे भी डिवाइड होता है, ये भी इसका फैक्टर है। ये सब जो इसको डिवाइड कर रहे हैं वो इसके फैक्टर हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज यही रीड करना है कि फैक्टर्स हम एक नंबर के कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 72 की। तो 72 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है? 72 आता है। मैं आपको एक आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप ये सब फैक्टर जो हैं ये आसानी से बना सकेंगे। हमने नंबर लिया है जी 72। आपने क्या करना है, आपने अगर आप 72 को डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 72 ही आएगा। अब आप बताएं कि क्या 72 2 पे डिवाइड हो जाता है? अभी तो हमने ये सारी चीजें पीछे रीड की हैं कि कौन सा नंबर 2 पे होता है, कौन सा 3 पे होता है। तो यहाँ पे देखें लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते, यहाँ पे रफ वर्क लें और यहाँ पर आप 72 डिवाइडेड बाय 2 कर लें। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2 3 6। ये कैसे? ये आप यूनिट नंबर 1 में रीड कर चुके हैं कि आपने 2 का टेबल फर्स्ट डिजिट से स्मॉलर तक रीड करना है या उसके इक्वल। तो 7 - 6 1 आएगा। यहां से हम 2 को साथ मिलाएंगे तो 12 बन जाएगा। तो अब हमारे पास 2 का टेबल 6 तक रीड करें जी, तो क्या बनता है? 2 6 12। तो ये हमारे पास आंसर बना 36। तो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है? 36। अब आगे आप देखें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? तो 3 का हमने पढ़ा था कि अगर इन डिजिट्स को ऐड करें तो अगर तो वो 3 पे डिवाइड सम हो जाता है तो ये नंबर भी हो जाता है। तो जरा गौर से देखें, इन डिजिट्स को प्लस करें तो क्या बनता है? 9। और 9 जो है वो क्या है? 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। यस, तो हम कह सकते हैं कि 72 भी क्या है? 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम 72 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6 माइनस किया 1 12, 3 4 12, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 24। अब आप देखिए क्या ये 4 पे डिवाइड होता है? तो 4 पे डिवाइड चेक करने के लिए 72 डिवाइडेड बाय 4। तो आप यहाँ पे डिवाइड करें 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 माइनस किया 3 और 4 8 32। तो ये आपके पास जो है ये क्या हुआ? किस पे डिवाइड हुआ? 4 पे। तो आंसर क्या आया? 18। इसी तरह आगे आप चले जाएं, 5 पे डिवाइड होता है 9 क्योंकि लास्ट पे हमारे पास 5 या 0 होना चाहिए। 6 पे डिवाइड होता है yes. अगर 2 और 3 पे होता है तो फिर वो 6 पे भी हो जाता है। 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 1s are 6 और 6 2s are 12। 6 के बाद 7, 7 के टेबल में तो 72 आते ही नहीं है। 10, 7 10s are 70 और 11s are 77। तो इसके बाद 8 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 9। तो अब आपको आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा लंबा मेथड जो बुक वालों ने किया हुआ है वो ना करें। आपने क्या करना है, एक नंबर तक आगे आप देखें। 8 से आगे क्या होता है 9, तो ये 9 पे डिवाइड होता है, वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो आप अपने फैक्टर इस तरह लिखें, यहां से स्टार्ट करें, ऐसे लिखते जाएं, यहां से ऊपर चले जाएं। ये आपके पास सब के सब जो हैं, ये क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्टर्स। अब आपने इनको कैसे लिख लेना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 भी फैक्टर है, कॉमा डालना है, 1 2 3 4 6, आगे हमारे पास 8, आगे हमारे पास 9। अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दें, 12 18 24 36 एंड 72। ये सब के सब आपके क्या हैं, फैक्टर हैं इस नंबर के। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जरा एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जरा, लास्ट वाला क्वेश्चन। राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर, हाउ मेनी फैक्टर्स ईच नंबर है। तो आपने सेम जिस मेथड से आपने ये फैक्टर बनाए हैं उसी मेथड से आपने फैक्टर बनाने हैं और फिर लास्ट पे आपने इनको काउंट भी कर देना है। बताना है कि कितने फैक्टर बने हैं। जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके कितने फैक्टर्स बने हैं? फैक्टर्स टोटल कितने बने हैं जी, इज इक्वल टू 12। इसके 12 फैक्टर हैं। तो आपने होमवर्क में यही चीज जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे टॉपिक लिखना है। जी क्या टॉपिक था आज हमारा? यस, वेरी गुड, फैक्टर। हम एक नंबर बुक से ले लेते हैं जी। कौन सा नंबर लें जी? हमारे पास है जी 25। तो 25 यहाँ पे लिखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं 25। तो इसके फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले 25 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो 25 आएगा। इसके अलावा ये 2 पे नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 5 पे होता है। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 आंसर आएगा। तो अब हमारे पास टोटल कितने फैक्टर बने हैं जी? अब जो एक जैसा फैक्टर होता है उसको हम एक बार काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑल फैक्टर हमारे पास कितने बन गए जी? ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 5। अब ये 5 दो बार आ रहे हैं तो उसको एक बार लिखेंगे, आगे 25। तो अब उसने ये भी साथ पूछा है कि ये फैक्टर कितने बने हैं। फैक्टर इज इक्वल टू काउंट करें जी, कितने फैक्टर हैं, 1 2 3। तो ये कितने हैं, 3 फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।